तो हाँ जी, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा हम लोग झारखंड राज्य के एक छोटे से हिल स्टेशन मैकलुस्कीगंज के नकटा पहाड़ पहुंचते हैं। नकटा पहाड़ के टॉप में पहुंचने के लिए हम लोग बहुत मेहनत वाली ट्रैकिंग की है, जो कि बहुत टफ चढ़ाई है, पर ये टफ चढ़ाई आप भूल जाओगे। देख सकते भाई, नकटा पहाड़ में चढ़ने में बहुत हालत खराब हो गई है, इतना ज्यादा पसीना और जैसे हम हाँफ रहे हैं। लड़ा क्या लग गया? सब कुछ ठीक? सब ठीक है भैया, लेकिन हाथ खराब। गुया तोरे रुमाल से हवा लगा दे, गुया तोरे रुमाल से हवा लगा दे, गुया तोरे रुमाल से हवा लगा दे, खेलाते कूदते गरमाए गेलो रे गरमाए गेलो, खेलाते कूदते गरमाए गेलो रे गरमाए गेलो, गुया तोरे रुमाल से हवा लगा दे, 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 गुया दे बेकार, प्यार बिना हाय हाय जिंदगी बेकार, पैसा बेकार, गाड़ी बंगला बेकार, गर्लफ्रेंड बिना हाय हाय जी एक बेकार। सुन तो मोर यार, दुनिया बेकार, प्यार बिना हाय हाय जिंदगी बेकार, पैसा बेकार, गाड़ी बंगला बेकार, गर्लफ्रेंड बिना हाय। कम सबसे ऊपर पहले तो 10-15 मिनट रेस्ट किए, उसके बाद अभी ब्लॉगिंग शुरू किया। लेकिन भाई ऊपर आके जो यहाँ का नज़ारा है ना, सच में थकान भुला देने वाली नज़ारा है भाई, आपको मन मोलेगी। दिखाते हैं आप लोग को, देखो हम लोग किधर से आए, इधर से आए ना, ये रास्ते से आए हम लोग। एक बार आप लोग को खाई दिखाते हैं। संजय भाई हमको गिराइएगा नहीं, पकड़ लीजिए मेरा हाथ। देखो भाई खाई, देखो 90 डिग्री पर। हाँ भाई, यहाँ टॉप से जो नज़ारे थे ना, सच बताऊँ तो जिंदगी में मैंने इससे पहले ऐसा बेहतरीन नज़ारा कभी ना देखा हो अपने झारखंड में। अपना दिन वहीं बन जाता है। हम जैसे राइटरों को और क्या चाहिए, सुकून ही तो चाहिए। दृश्य इतना आकर्षक होता है कि आप अपनी निगाहें हटा ही नहीं पाएंगे। चारों ओर दूर दूर तक घने जंगल ही जंगल देखने को मिलते हैं। नकटा पहाड़ अपने धार्मिक पहलू के लिए भी प्रसिद्ध है, साथ ही आसपास के गांव के लोग यहां भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। यह पूजा स्थल नागेश्वरम धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, कभी भी आना आप लोग थोड़ा केयरफुली रहना नकटा पहाड़ के टॉप में, नहीं तो वो कहावत सुने हो ना, गिर ले तो गिली बेटा, वही होगा। सांधी सांधी सासों को हरदम पीलूं।
सो भाई लोग देखो, पहले हम लोग गए थे उस पहाड़ में जहाँ आप लोग को झंडा दिख रहा है, ऐसे उतर के हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ से हम लोग को ये वाला पहाड़ दिख रहा था। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, देखो अभी फोटो सेशन हो रहा है, अभी नौ इधर से फोटो खींच रहा है। फोटो आप लोग को इंस्टाग्राम में एक से एक देखने को मिल जाएगी। भाई देखो क्या नज़ारा है भाई, पहाड़ ऐसे निकला हुआ है देखो भाई। लेकिन ये थोड़ा सा डर है, रिस्की है, अगर पहाड़ टूटा तो समझ जाओ कितना नीचे। तो भाई लोग कैसा लगा बताओ, एक्सपीरियंस बताओ यहाँ के। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। एक्सरसाइज भी हो गया, हम लोग चढ़ते, हाँ एक्सरसाइज भी हो गया, हम भी थोड़ा वेट कम कर लिए लग रहा है ऐसा। तो अभी हम लोग का देखो ये है धुसका है भाई, झारखंड का फेमस धुसका, यही चल रहा है देख लीजिए। साथ में खाने दिए हमको, ये तो लग गया खाने में, इसको भूख लग गया, चढ़ते चढ़ते इसका खाना पच गया। Way out, face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but I don't think that is what I would usually do. You know it's just that I felt the heat the moment he pressed his lips up against mine. तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए हैं मकलूसीगंज के सर्वधर्म स्थल में। मेरे पीछे जस्ट आप लोग देख सकते हो कि भाई देखो, हम लोग इंडिया में रहते हैं, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई। देखो इस साइड में आपका मस्जिद है, इस साइड में आप लोग देख रहे हो, ये साइड में, इस साइड में मंदिर है, इस साइड में देखो चर्च है, क्रूस बना हुआ है, क्रॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, गुरुद्वारा उधर बना हुआ है। अच्छा शायद मुझे बोलने में गलती हुआ, ये मस्जिद नहीं, ये मजार है, मजार जो मुस्लिम लोग का मजार होता है वो है, मतलब यहाँ पर किसी का कब्रस्तान किसी का है। मंदिर और मजार में यही फर्क है कि मजार में कोई पीर बाबा लोग का जो है से कब्रस्तान रहता है, और मस्जिद में एक आंकड़ा भी नहीं रखता है, कहता है कि हमारे अल्लाह तो ऊपर है तो फिर नीचे क्या रखे, मुस्लिम लोग का कहना है। नियम है क्या, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे, सही बात बोल, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, इसके लिए किसी से लड़ाई करना, किसी से मोल लेना। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है। अच्छा श्रवण कुमार यादव, हम काफी दिनों से यहाँ पर, आज 30 साल हमारे उम्र बीत गया, लेकिन आज तक हम भेदभाव किसी को नहीं किए। बहुत अच्छा, यही होना चाहिए, सब प्रेम का जगह है, सब प्रेम कीजिए, सब मानिए, सब देखिए, आपका जैसा ही विचार होना चाहिए लोगों का भी। तीर्थ का स्थल है और इसमें सरकार का भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन आज तक तो धर्म के नाते नेता लोग नहीं ध्यान देते, नेता लोग क्या ध्यान देंगे वोट पाने का। सो ये शरण भैया है, देख लीजिए, ये है कि ये जो चार जगह आप लोग देखे, चारों जगह में ये पूजा करते हैं, मतलब ये सबको एक समान मानते हैं, चाहे मजार हो गया, चाहे मंदिर हो गया, चाहे चर्च हो गया, चाहे गुरुद्वारा हो गया। तो भाई लोग यही था सीताकुंड जो आप लोगों ने देखा, देख लो यहाँ ऐसा बोला जाता है, जहाँ भी हम लोग गए सर्वधर्म स्थल था उसी के ये बगल में है।
तो इसका ऐसा है कि भाई ये यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। बगल में ही था तो सोचे चलो देख लेते हैं, वैसा उतना बड़ा कुछ है नहीं। फिर एक मेन बात ये है कि चाहे जितना भी गर्मी पड़े, बरसात में तो सूखेगा नहीं, ठंड में भी नहीं सूखता है, तो जितना भी गर्मी पड़े यहाँ का पानी सूखता नहीं है। यही है सीताकुंड। और बगल में देखो यह है आपका सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल जाने का ये रास्ता है, इधर देख सकते हो। सो यहीं से 0.5 किलोमीटर है, सीताकुंड भी है, तिरु वाटरफॉल उधर है 25 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ आप लोग कवर कर सकते हो अगर मैकलुसीगंज जाते हैं आते हो तो। तो अभी हम लोग तिरु वाटरफॉल तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, शाम के 4 बज चुके हैं अभी। तो संजय भाई है अपना कॉन्टिनेंटल जीटी में, देख लीजिए टेस्ट राइड लेने गए थे। कैसा लगा संजय भाई बताइए? मजा आ गया। संजय भाई अब जा रहे हैं मेरा 2022 मॉडल लेके डोमिनर, अब इसका भी टेस्ट राइड ले रहे हैं संजय भाई। हीरो जैसा उड़ा रहे हैं आप तो। तो देखो भाई नक्टा पहाड़ में हम लोग बनाए थे चिकन जो आप लोग वीडियो देखे थे, और ये है तड़का हम लोग ऑर्डर किए हैं, और ये रोटी अभी हम लोग का हो रहा है लंच। शाम के बज चुके हैं 5:30। भैया जी का होटल, आपका होटल का क्या नाम है भैया? अंजू होटल। अंजू होटल। क्या संजय भाई क्या गजब का ठंडा लग रहा भाई साहब, पूछो मत। मतलब दोनों तरफ घंघोर जंगल है, क्या पता आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देखो सियार भी पार हो रहा है। सच में अभी लस्ट जस्ट एकदम सियार पार हुआ इधर से। बिजूपाड़ा 18 किलोमीटर है यहाँ से, हम लोग को बिजूपाड़ा जाना है अभी पहले। सो बहुत देरी के बाद मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ, हम लोग पहुँच गए हैं टोल टैक्स और मांझी वाला। टाइम हो चुका है 7:41। बहुत ठंडा लग रहा भाई। तो अभी तक हम लोग सुबह से, जब आज का राइड शुरू हुआ था तब से अभी तक 207 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, और अभी यहाँ से 10-12 किलोमीटर और होगा घर हम लोग का। तो आज भी 200 से ऊपर ही रहा, 220-225 हो जाएगा आज का राइड का हम लोग का। पर भाई मज़ा आया डोमिनियर में राइड करके, सच बताऊँ तो भाई मतलब हमको पछतावा नहीं हो रहा भाई कि मैंने डोमिनियर लिया, एकदम पछतावा नहीं हो रहा। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने इस बाइक को लिया भाई। आप यकीन करोगे कि नहीं, मुझे आज 34 का माइलेज मिला। मैं आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगा, मीटर में दिखाऊंगा 34 का माइलेज मिला, और क्या चाहिए। और हम लोग स्पीड भी आज ज़्यादा चले नहीं है, वैसे 70-75 मैक्सिमम 75 गए हैं, अभी 73 चल रहे हैं। ओली के लिए ई लेने जाना है, तो मेडिसिन मतलब ग्रेवी लेने जाना है। हाँ तुम निकल जा गए, तुमको सांडी भी जाना ना, फिर मिलते हैं फिर। चलो बड़ी मज़ा आया आज। ओली ओली का खुशी देखो। तो भाई देखो 35 का माइलेज मिला आज हमको, 35 का।